हे गाइस वेलकम बैक टू डिटेनमेंट चैनल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस जो एग्जामिनेशन होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का रिक्रूटमेंट के लिए तो इस एग्जामिनेशन का सिलेबस uh, क्या है प्रिलियम्स uh, और मेन्स uh, के लिए तो ये हम बात करेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एक अच्छी स्ट्रेटी जिसके मदद मतलब से आप प्री और मेंस का जुडिशरी के लिए वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक हम आपसे शेयर करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटीज़ एंड टिप्स तो शुरू करते वीडियो को तो पहले हम देख लेते प्रलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होते हैं इसका uh, क्या मतलब कैसा होता है ये ये एक्चुअली दो सौ नंबर का होता है ठीक है इसमें एम सी क्यू क्वेश्चन होते हैं टू हंड्रेड एम सी क्यू क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये टू एंड हाफ आवर इसका ड्यूरेशन होता है टाइम और ये प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है हम आपको बता देते हैं ठीक है, है? Uh, पहला इंग्लिश कंपोजिशन थर्टी मार्क्स का इंग्लिश जी के करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग ये फोर्टी मार्क्स का आता है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी मार्क्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट ट्वेंटी मार्क्स लॉ ऑफ एविडेंस ट्वेंटी मार्क्स सी पी सी ट्वेंटी मार्क्स सी पी सी आर पी सी एंड आई पी सी ट्वेंटी मार्क्स पर्सनल लॉ मतलब पर्सनल लॉ के अंदर आता है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ ये दोनों मिलाकर दस मार्क्स और फाइनली लॉ ऑफ लिमिटेशन इससे ट्वेंटी मार्क्स आता है अब हम बात करते हैं इंग्लिश कंपोजिशन यहाँ पे जो है थर्टी मार्क्स का इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि सिलेबस ऑफ प्रिलिमिन्री एग्जामिनेशन ये यहाँ पे जो इंग्लिश कंपोजिशन का जो पार्ट uh, है जो थर्टी मार्क्स इंक्लूड है ठीक है प्री में तो यहाँ पे जो आता है वो है कवर uh, करता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स इडियम एंड फ्रेज वोकबली टेस्ट फ्रेजल वर्ब एंड सेम वर्ड बेयरिंग मोड एंड मीनिंग दैट मीन्स वन ऑर्ड सब्सट्यूशन ओके तो दीज आर द थिंग्स वीच आर इंक्लूडेड इन द इंग्लिश कंपोजिशन पेपर इन प्रिलिम्स नेक्स्ट कम टू देंस पार्ट तो यहाँ पे फाइनल एग्जामिनेशन में ये जो मेन्स पार्ट है यहाँ पे एट कंपल्सरी पेपर है इसके साथ आपको थ्री ऑप्शनल पेपर चूज करने हैं ओके okay? तो हम आपको बता देते हैं और ईच सब्जेक्ट जो है ठीक है टोटल आठ प्लस तीन एट प्लस थ्री क्वेश्चन सॉरी थ्री पेपर्स आपको क्लियर uh, करना है यहाँ पे कंपल्सरी पेपर एट आठ कम्पल्सरी पेपर्स है और ऑप्शनल पेपर तीन आपको ऑप्शनल चूज करना है और सभी में सौ सौ नंबर है ठीक है हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है और थ्री आवर्स ड्यूरेशन होता है तो कंपल्सरी पेपर्स के अंदर ये मेंस का कंपल्सरी पेपर्स के अंदर पहला जो पेपर है वो है इंग्लिश कंपोजिशन ए से प्रेसी राइटिंग तो यहाँ पे आपको सिंपली इंग्लिश कंपोजिशन यहाँ पर आता है ट्रांसलेशन कुछ आ जाता है ट्रांसलेशन के लिए दूसरा एक पेपर भी है लैंग्वेज पेपर यहाँ पर भी ट्रांसलेशन आता है यहाँ पर भी ठीक है तो यहाँ पे ऐसे पेपर जो है इसमें आपको सोशल इशूज रिसेंट जजमेंट जुडिशियल इंप्रूवमेंट इन्हीं सारे विषय के ऊपर जो ऐसे है आपको प्रिपेयर करना है और प्रेसी राइटिंग आपको प्रिपेयर करना है नेक्स्ट पेपर जो है वो है इंग्लिश हिंदी उर्दू नेपाली या संताली कंपोजिशन एवं उसके साथ ऐसे भी लिखना पड़ता है ये रीजनल लैंग्वेज में और इसके साथ आता है कि इंग्लिश टू बंगाली या बंगाली टू इंग्लिश इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ऐसे ट्रांसलेशन आपको दिया जाता है पेपर टू में लेट्स कम टू द करंट अफेयर्स पार्ट तो यहाँ पे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के लिए अलग से एक कंपलसरी पेपर है यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको लिखना है आंसर्स नेक्स्ट आता है सी पी सिविल प्रोसीजर कोड ठीक है ये एक पेपर है एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर्स है ये पेपर्स है ठीक है सी पी सी सी आर पी सी आई पी सी एविडेंस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ओके ये हो गया कंपल्सरी पेपर्स का पार्ट अब इसके साथ कंपल्सरी पेपर्स के साथ और भी तीन आपको सब्जेक्ट्स लेने हैं ठीक है जो ऑप्शनल पेपर है तो यहाँ पे ऑप्शनल uh, पेपर की अगर हम बात करें तो ऑप्शनल तीन चूज करना है इनमें से आप हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ जुरपेंस ले सकते हैं मतलब इन आठ में से आपको कोई भी तीन चूज करना है इस पर है हिंदू लॉ मोहम्मद लॉ जुडिस पुडेंस एंड लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज एंड इंश्योरेंस और यहाँ पे ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ पार्टनरशिप लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन में से आपको एनी थ्री चूज करना है और ये कंपल्सरी um, पेपर भी आपको अटेंड करना है तो टोटल इलेवन एग्जाम आपको देना है मेन्स के अंदर एंड ईच सब्जेक्ट विल इंक्लूड हंड्रेड मार्क्स ओके एंड टाइम इज थ्री आवर गॉट इट चलो अब हम देख लेते हैं स्ट्रेटेजी कौन से कैसे हम लोगों को यह प्रिपेयर करना है और एक चीज यहां पर मैं बताना भूल रहा हूं कि पर्सनलिटी टेस्ट जो है ठीक है मतलब इंटरव्यू इंटरव्यू में हंड्रेड मार्क्स इंक्लूड होते हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट में कई बार ऐसे होते हैं कि लॉ रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछ डालते हैं Uh, कई बार ऐसा भी होता है कि लॉ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते सिर्फ पर्सनालिटी uh, टेस्ट के लिए वो लोग क्वेश्चन uh, करते हैं डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है इंटरव्यू में तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कैसे ये एग्ज़ाम के लिए आप हम लोगों को प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है एमसीक्यू क्वेश्चन का तो प्रीलिम्स में लॉ बेस्ड जो सब्जेक्ट होते हैं लॉ बेस्ड सब्जेक्ट के लिए आपको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन में से सिविल um, सिविल बार जो है आपको रीडिंग करना होगा बे आर एट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा रेफरेंस बुक की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बे आर एट रीड करना है और यहाँ पे आपको मेमोराइज़ करना है इंपॉर्टेंट सेक्शंस को ठीक है और कोशिश कीजिए मिनिमम टू हंड्रेड टू थाउजेंड क्वेश्चन ईच पेपर के ऊपर आप प्रैक्टिस करके ही जाए एग्जामिनेशन देने के लिए और करंट अफेयर्स और जी के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप न्यूज़ पेपर पढ़ें डेली और मंथली मैगजीन्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं या तो फिर आप YouTube से देख सकते हैं स्टडी आई क्यू वाई फाई स्टडी अन एकेडमी ऐसे बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स और जी के के ऊपर वो लोग वीडियो डालते हैं मंथली बेसिस पर या डेली बेसिस पर वो आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है और और यहाँ पे इंग्लिश कंपोजिशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप मार्केट से कोई भी उठा के पढ़ सकते हैं या तो फिर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है कि बुक से ज़्यादा यूट्यूब से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा ठीक है तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप यूट्यूब से पढ़ें ठीक है अब बात करते हैं मेन्स के लिए तो मेन्स में आपको जो करना है वो है ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है ठीक है और यहाँ पे ज़्यादा आपको सेक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकता है लेकिन यहाँ पे जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपको केस लॉज केस लॉज लैंडमार्क जजमेंट जो है वो वो केस लॉज और जो रिकग्नाइज केस लॉज होते हैं जो हम लॉज कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसको आप याद करके जाए ठीक है इनफैक्ट अपने कॉलेज में जो भी आपने नोट्स बनाया है तो वो नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए ठीक है और ऑप्शनल uh, में ऑप्शनल में आप कोई भी तीन uh, चूज़ कर सकते हैं और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सबको पता ही है जो लोग लॉ पढ़ रहे हैं अभी तो ये सारे एकदम बेसिक सब्जेक्ट्स uh, हैं तो इसका आप लोगों ने जो भी नोट्स बनाए हैं अपने कॉलेज में या बनाएंगे तो उसको कोशिश कीजिए कि की अच्छे से बनाना और वो कॉपीज़ को प्रिजर्व करके रखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और उसको और बार बार जो है उसी पेपर्स को आप फॉलो कीजिए यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है मतलब ये ऑप्शनल पेपर में तो एकदम बेसिक चीज़ें पूछे जाते हैं मतलब हिंदू लॉ में जैसे हो गया सोर्स ऑफ हिंदू लॉ आरसीआर का केस क्या है रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट डिवोर्स के प्रोसीजर तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मो लॉ में लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है आफ्टर डेथ तो ये ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे ऑप्शनल में और वेस्ट बंगाल का जो जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम है ये दिल्ली जुडिशियली जैसा उतना टफ़ नहीं है यहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक क्वेश्चन तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविशन करना है रिविशन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अगर चाहे तो आप अगर एक्चुअली एफोर्ड कर सकते हैं अगर तो आप लीगल आई का टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं मेंस के लिए जिससे आपका आंसर राइटिंग स्किल और भी बेहतर हो जाएगा और आप अप, खुद को एनालाइज़ कर पाएंगे कि आप कितना एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए तो आप वो कर सकते हैं लीगल आइट्रेसिस जो ऑनलाइन मिलता है और अफोर्डेबल प्राइस भी है फाइव थाउजेंड राइट तो वो आप कर सकते हैं और अगर हम बात करें इंटरव्यू की इंटरव्यू में कोशिश कीजिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंटली आंसर देने का अगर आपको आंसर नहीं पता है क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप सिंपली बोल दीजिए कि उन लोगों को कि मुझे नहीं पता सर आई विल आई विल वर्क ऑन इट और यहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड के सामने आई कांटेक्ट मेंटेन करिए और हैंड मूवमेंट्स कुछ किसी भी सिचुएशन uh, को डिस्क्राइब करने के लिए हैंड मूवमेंट्स का इस्तेमाल मत करें ठीक है कम से कम करने की कोशिश करें ठीक है तो ये सारे चीज़ आप इंटरव्यू uh, के लिए सजेशन uh, मेरा ये रहेगा तो आशा करता हो वीडियो में थोड़ा बहुत आपको जानने को मिले मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड मेक समहन हैप्पी एंड हैव अ ग्रेट डे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो